ड्यूरिंग सिम प्लास्टिक पाथवे वॉटर मूव थ्रू। अभी अभी हमने देखा पीछे वाले डायग्राम में कि जो सिम प्लास्टिक पाथवे है, सिम प्लास्टिक पाथवे क्या है? इट इज अ पाथवे ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, जिसमें यहां पर जो वॉटर है वो भी ग्रेडियंट को ही फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है, एंड इसमें जो वॉटर है वो वॉटर मूव करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। वॉटर मूव्स एंड क्रॉसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ वो सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म है, तो वहां पर भी होगा। एंड अल्टीमेटली एक सेल से दूसरे सेल में जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एक्सटेंड हो रही है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, वहां से भी ये क्रॉस करेगा प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट सेल। तो इन तीनों के थ्रू वॉटर मूव कर रहा है बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे। सो ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक पाथवे वॉटर मूव थ्रू साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही, प्लाज्मोडेस्माटा ये भी सही, सेल मेम्ब्रेन ये भी सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगर हम इसे डायग्राम से भी देखें तो ये वाला पार्ट कि जो वॉटर है वो इधर से यानी सेल मेम्ब्रेन से भी क्रॉस कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा अंदर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ, बाहर इज सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, देन साइटोप्लाज्म में आया, देन प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस किया, ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरीके से ये वाला पाथवे क्या है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।